नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP Real Tips में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Facebook पर आप अपना मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर आप अपना मोबाइल नंबर न्यू ऐड कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ। और पहले दोस्तों और आज के बीच फेसबुक की सेटिंग में भी कुछ चेंजमेंट हुई है, तो ये सेटिंग अब आपको कहाँ देखने को मिलेगी और कैसे आप आसानी से अपना न्यू नंबर या फिर मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करेंगे। जैसे ही हम अपनी फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों, जस्ट आपको राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर यहाँ पर आपको जो आपकी प्रोफाइल फोटो या फिर आपको 3 लाइन भी देखने को मिल सकता है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, सबसे नीचे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको फिर से एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फेसबुक की सभी सेटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन आपको फर्स्ट में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मेटा अकाउंट सेंटर का। मेटा अकाउंट सेंटर के इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको कुछ सेटिंग्स दिखाई देगी। जस्ट थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल डिटेल का। पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो, बर्थडे और आइडेंटिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट में कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और कॉन्टैक्ट इन्फो के जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जो फर्स्ट में तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी शो हो जाती है, सेकंड नंबर पर जो आपने ऑलरेडी जो पहले मोबाइल नंबर ऐड किया हुआ है वो यहाँ पर शो हो जाता है। तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पर आपको न्यू नंबर ऐड करना है और जो ओल्ड नंबर है उसे डिलीट करना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना एड ए न्यू नंबर के जो ब्लू कलर में दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना न्यू नंबर ऐड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना एक न्यू नंबर आपको ऐड करके दिखाएंगे और उसके बाद हम अपना जो ओल्ड नंबर मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है उसको डिलीट करके भी दिखाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एंटर मोबाइल नंबर में अपना न्यू नंबर ऐड कर देना है और उसके बाद आपको वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा ब्लू टिक भी करना है, जो आपके प्रोफाइल बगल में जस्ट राइट साइड में ब्लू टिक पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर अभी न्यू ऐड किया है उस पर एक OTP आएगा, ऑटोमेटिक OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा और ये नंबर आपके उस फेसबुक पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो पहले एक मोबाइल नंबर शो हो रहा था, अब यहाँ पर आपके 2 मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं। अब इस केस में आपको करना क्या है, जो आपका ओल्ड मोबाइल नंबर है उसको डिलीट करना है। ओल्ड मोबाइल नंबर डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जो मोबाइल आप नंबर ऐड डिलीट करना चाहें जस्ट उसके बगल में जो एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और जब आपको यहाँ पर एक रेड कलर का डिलीट बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और फिर से आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका फेसबुक का पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, जो ओल्ड मोबाइल नंबर है वो डिलीट हो जाएगा और जो आपने न्यू नंबर ऐड किया है वो आपके फेसबुक पर ऐड हो जाएगा। तो बस छोटा सा ये प्रोसेस है, उसके बाद आसानी से आप भी अपना फेसबुक मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। और फिर भी अगर मन में कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।